हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि रियलिस्टिक तरीके से कैसे सिर्फ फेस को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे मॉडल को दूसरा बैकग्राउंड में बिठाना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, बीच में मत छोड़ के जाइए। बीच में छोड़ने से कोई कोई एडिटर ऐसे भी एडिटिंग करके देता है। खोपड़ी तोड़ का। पहले मॉडल को PNG बना लेना। मैं उसके लिए रिमूव PNG एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को PNG के लिए कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम इस PNG कैसे बनाया जाता है उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। PNG बना लिया। अब हम PS टच एप्लीकेशन में जाके एक बैकग्राउंड चूज कर लेंगे जिस बैकग्राउंड में हमको मॉडल को बिठाना है। अभी मैं मॉडल को भी लेकर आया और मॉडल को अच्छा तरीके से कैसे बिठाया जाता है उसको फिक्स करेंगे कि कहाँ बिठाने से रियलिस्टिक लगे। तो देखिए, मॉडल को इधर बिठाने से सेट हो रहा है। अभी मॉडल को देखेंगे कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको भी रबर टूल की सहायता से इसको काट देंगे। हम इस एप्लीकेशन में सिर्फ मॉडल के साथ बैकग्राउंड का कलर मैच करेंगे, इसमें शेडो क्रिएट नहीं करेंगे। शेडो क्रिएट के लिए अलग एक सॉफ्टवेयर लेंगे, वो आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए PS टच में मॉडल के साथ बैकग्राउंड का कलर कैसे मैच किया जाता है वो दिखाता हूँ। अगर इसके लिए कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम मॉडल के साथ बैकग्राउंड का कलर को मैच कर लेते हैं। कलर मैच होने के बाद फोटो को सेव कर लेता हूँ। अभी हम लोग जाएंगे पिक्सा प्रो एप्लीकेशन में, और पिक्सा प्रो एप्लीकेशन में जाके वो फोटो को सिलेक्ट करना है जो फोटो आप PS टच एप्लीकेशन से सेव किया है। अभी एडजस्ट में जाके पेंट मास्क ऑप्शन में जाके अभी शेडो बनाने के लिए धीरे धीरे ऑपेसिटी को कम करके पेंट करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग गौर से देखिए और उसी तरह अप्लाई कीजिए। देखिए ऐसा पेंट करना है। अगर पेंट इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, रबर टूल की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए मॉडल का एक पैर रास्ते से थोड़ा ऊपर है तो उसका थोड़ा सा नीचे शेडो क्रिएट करना है, और जो पैर सटा हुआ है उसको सटा के ही शेडो क्रिएट करना है। जैसे पेंट हो जाएगा हम कॉन्ट्रास्ट में जाके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हाई करेंगे, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डाउन करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन करके रियलिस्टिक बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे शेडो क्रिएट हो रहे हैं। हम धीरे धीरे इसको जूम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एडजस्ट करने से रियलिस्टिक लगता है। तो देखिए दोस्तों, शेडो क्रिएट हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि एकदम रियलिस्टिक है, बहुत अच्छा से शेडो क्रिएट हो गया। तो इधर से हम फोटो को सेव कर लेंगे और फोटो को लेके जाएंगे Lightroom एप्लीकेशन में। वैसे तो फोटो एकदम ठीक तरीके से बन गया, फिर भी Lightroom एप्लीकेशन में जाके थोड़ा सा कलर को रिटच करके फोटो को और ज़्यादा एट्रैक्टिव करेंगे। तो फ्रेंड्स, Lightroom एप्लीकेशन में फ़ोटो को कैसे कलर रिटचिंग किया जाता है उसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम एक वीडियो बना देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। Taking the heavenly glow, we've come to a door. No matter where. तो देखिए Lightroom एप्लीकेशन में जैसे ही कलर एडजस्ट हो जाता है फोटो को सेव कर लेंगे। तो देखिए फोटो एकदम रियल बन गया, ऐसा लगता है कि मॉडल पहले से इसी बैकग्राउंड पे खड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कोई भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल चुके हैं। अगर फिर भी किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम उनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी के लिए बाय बाय।